फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर खाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं आज आपको मूंग दाल से चीला बनाना बताऊंगी, जिससे कि आपको वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी समर्स हैं तो आप जो हैं इसको कम ऑयल में बना के खा सकते हैं, क्योंकि अभी समर हैं तो बिल्कुल भी ऑयली खाने का मन नहीं होता है। तो आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, स्नैक्स में खा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको ज़रूर क्लिक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है मूंग दाल। मूंग दाल छिलके वाली लेना है इसके लिए, और क्योंकि छिलके के साथ होता है तो बहुत अधिक अच्छा रहता है। और यहाँ लिया मैंने जीरा, यहाँ लिया है जिंजर और चिली और कोरिएंडर। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लिया है। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल देंगे और साथ में दाल भी डाल देंगे, और एक हमें दरदरा सा पेस्ट बनाना है इसका। तो इस तरह से हमने डाल दिया है मिक्सी जार में और इसके बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका पेस्ट आप देख सकते हैं कैसा बना है, और ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी होता है। तो अभी क्या है, समर्स में कुछ ऐसा खाने का भी मन नहीं होता है, तो आप इसको खा के बना के खा सकते हैं। तो इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। उसके बाद स्वाद के अनुसार हमने यहाँ पे साल्ट ऐड कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे चॉप किया मैंने ऑनियन लिया है, तो ऑनियन को भी हमें इसमें डाल देंगे। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इसके अंदर 1 स्पून बेसन भी ऐड कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे चीले क्रिस्पी बनेंगे। अब मैंने तवा लिया है, तवा के को मैंने उसके ऊपर मैंने ये बैटर को फैला दिया है, आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर से हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है ताकि अच्छे से हमारा जो चीला है वो पक जाए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं पलट देती हूँ इसको, तो यहाँ पे मैंने पलट दिया है। तो इसी तरह से दोनों साइड से हमें सेक लेना है। ऊपर से फिर से मैं ऑयल डाल दूँगी, हल्का सा ही लगाना है, बहुत अधिक ऑयल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं दूसरा डाल के आपको दिखाती हूँ। तो बस उसको तवे के ऊपर डालना है और हल्का सा स्पून के हेल्प से फैला देना है। बहुत ईजली बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से आप बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं दो एक साथ बना ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने दूसरा भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और कितना आराम से ईजली बन जा रहा है, तो आप भी बना सकते हैं। तो मेरे दो चीले रेडी हो गए हैं, मैं सर्व कर लेती हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं दूसरा भी निकाले, तो मैंने चीले रेडी हो गए हैं, मैंने सर्व कर दिया है। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मसालों का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हेल्दी तरीके से बनाया इसलिए मैंने यहाँ पर मसाले का यूज़ नहीं किया है। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले मिले आपको। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।